तुम आज रखने वाले 50 डे इन आइस स्पाइस बाय मोए एक हार्ड कोर में। और आइस स्पाइस में पता नहीं खाना वगैरह कुछ भी नहीं होगा इसमें, और पेड़ मिलने के कतरा पता नहीं 0.01% चांस है। देखते हैं कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। देखने के लिए वीडियो पूरा देखना और एक लाइक भी कर देना यार, और मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले दिन में मैं आगे गया और थोड़ी बहुत डर थी, डर को जमा करना शुरू कर दिया। बहुत सारी डर जमा करके मैं आगे बढ़ गया और एक रेबिट को मार डाला, और मैंने मेरे को एक विश ने भी हमला कर दिया था। बहुत सारे मोब आ गए थे और चलते चलते याद भी हो गई थी, इसलिए मैं टावर बना के ऊपर चढ़ गया। एक आधा आड़ में बच गया मैं। फिर डे होने का इंतजार किया और फाइनली डे हो गया और मैं नीचे चला गया। चलते चलते मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की और फाइनली एक 3 डेज में मेरे को एक विंड पोर्टल मिला। वहाँ पे से मेरे अच्छा खासा सामान मिल गया, खाना वगैरह का तो जुगाड़ हो गया था। फिर मैंने गड्ढा करके मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा मॉब हो गए थे, और डे होते ही मैं फाइनली निकल गया। वो आज सामने मेरे को खेलते हुए कुछ पेड़ वगैरह दिख गया। भाई साहब का ही किस्मत है यार, देखते तो पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो गया पेड़। तो 1% चांस है, पता नहीं कितने है। तो यहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ को मैंने तोड़ के क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बना लिया। फिर मैंने यहाँ पे बेस अपना बनाना कर दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बच्ची जगह थी, और शील्ड एक बना ली और 2000 ब्लॉक में दूर आ गया था। फिर मैंने थोड़ा बहुत कॉल तोड़ा और टॉर्च वगैरह बना के मैंने एरिया को बड़ा कर दिया। फिर मैं स्टोन की पिकअप बनाई और आगे के लिए माइनिंग के लिए निकल गया। आगे माइनिंग करते मेरे को एक थोड़ा बहुत कोल वगैरह और आयरन और स्मेल्ट करने रख दिया। आयरन की पिकअक्स बना के मैं आगे माइनिंग करने चला गया। फिर मैंने वो ग्लो स्टोन, पता नहीं ग्लो करने वाला कुछ आया मॉन्स्टर वगैरह, उसको मैंने मारा और Y11 पा के मैंने थोड़ा बहुत एरिया बड़ा कर लिया। फिर मैं माइनिंग के लिए निकल गया। फिर मैं आयरन वगैरह कलेक्ट करा था और वहाँ पर एक पता नहीं लामा कहाँ से आ गया, फिर मैंने उसको मार के मैंने ज्यादा बड़ा वगैरह एक कर लिया। जितना भी आयरन था उसको स्मेल किया और पेड़ तोड़ लिया, काट लिया। मैंने आयरन का आर्मर बना लिया और फुल्ली आयरन में कवर हो गया। फिर फैंटम भी आ गए थे और ब्लेड मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने बहुत सारा जनरल वगैरह बनाई और मैं मकड़ियों को मारने चला गया, ज़ॉम्बी वगैरह को सबको, क्योंकि मेरे को बेड चाहिए था वूल, इसलिए बहुत सारा मेरे को यहाँ से एक कैरेट भी मिल गई। तो एक फूड सोर्स हमारा और भी हो गया था, तो कैरेट एक ज़ॉम्बी ने ड्रॉप कर दी थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक फिश फार्म बनाऊँगा, पर बनाएंगे कभी। फिर मेरे को एक स्पाइडर स्पॉनर मिल गया, भाई क्या ही किस्मत है यार अपनी। तो मेरे को स्पाइडर स्पॉनर मिला तो वहाँ से मैंने स्ट्रिंग वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और वापस आके मैंने एक बेड फाइनली बना लिया और ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर लिया, मतलब क्योर नहीं उसको कैप्चर कर लिया, और फाइनली मैं बेड बना के सो गया। फिर मैं लंबा सा टावर बनाने लगा क्योंकि मेरे को वहाँ पे फिश पाम बनाना था, इसलिए और यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह भी बनाने लगे। फिर मैंने फार्म का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था। फिर मैंने फार्म में पानी डालना शुरू कर दिया और फाइनली पानी डाल के मैंने देखा तो काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। इसलिए मैं घर पे वापस लौट गया और क्रिएट हो गया वापस से लगा दी। और मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक सी फार्म बनूँगा और यहाँ पर फाइनली मेरे को डायमंड मिल गया, टोटल 3 डायमंड था, तो उसको कलेक्ट कर लिया। फिर मैं आगे खुद रहा था तभी वापस से मेरे को 4 डायमंड मिल गया, कई किस्मत है। तो 7 डायमंड हो गए मेरे पास और डायमंड की पिकअक्स वहाँ पर मैंने बना ली, और आइटम वगैरह कलेक्ट कर लिया और थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन वगैरह भी कलेक्ट कर लिया करके लाया, और स्टेयर मैंने लगाने लगा और एक डायमंड की एक्स बनाने लगी। और मैं फार्म पे आके देखा तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैं एक नेदर में चला गया पोर्टल बना के, और यहाँ पे देखा तो कनेक्शन फॉरेस्ट के बगल में ही मैं स्पॉन हुआ था, एडवांस भी अटैक कर रही थी। तो यहाँ पे मरते मरते बचा हुआ वापस से घर में चला गया और फिर वापस आके कैरेट वगैरह वापस लेके आके मैं आगे चलने लगा। और यहाँ पे झोगलिन वगैरह, मतलब झोगलिन वो पता ही नहीं, और सुअर वगैरह होता है उसको मैं मारने लगा क्योंकि वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी।
और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा, ऊपर से गिर गया नीचे, फिर वापस से झोगलिन को मारने लगा फोगलिन, और वापस से यहाँ पे मैं लावा में गिरते गिरते बचा, ऊपर से गिरा और नीचे आके पड़ा, और ढेर सारा मैं कोड वगैरह भी इकट्ठा कर रहा था। मुझे अपनी एक्सपी भी बढ़ती है और फाइनल में एक बेसियन के पास पहुंच गया। मेरे को पोर्ट्रेस चाहिए थी पर नहीं मिली, कोई बात नहीं, और मैं बेसियन में चला गया। और ये ब्रो देखो कितने सारे गिर गिर के मर रहे हैं, ओ भाई साहब। फिर मैं गोल्डन को मारने लगा और गोल्ड ब्लॉक को भी छुड़ाने लगा, और पिगलिन ने भी अटैक कर दिया मेरे ऊपर, और गोल्ड ब्लॉक को मैं चुरा लिया। एक एक करके सारी चेस्ट को मैं लूटने लगा, गोल्डन एप्पल भी था, एक एंशिएंट डेब्रिस भी था, और एक डायमंड फ्लोवल भी थी, और एक एंशिएंट डेब्रिस। ऑब्सिडियन बहुत सारा था, गोल्डन के रेट तो भाई बहुत ज़्यादा, और एक पिकेक्स मिली इसमें, पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी एंशिएंट लगी थी, एफिशिएंसी वगैरह। फिर मैं वापस से घर पे चला आया और एक दो चेस्ट बना के मैंने सारा सामान अंदर रख दिया, और जितने भी बोन ब्लॉक थे उसको मैंने बोन विल में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। और मैंने बहुत सारी कैरेट को भी बनाया, मतलब बोन के अच्छे वो गोल्डन कैरेट उससे बना ली मैंने, बहुत सारी खाटी बना ली मैंने, और पेड़ वगैरह भी मैं खोद के मैं वापस चला गया तोड़ के, और बहुत ज़्यादा आगे चला गया क्योंकि मेरे को चाहिए थी पोर्ट्रेस, और मेरे को पोर्ट्रेस नहीं एक बेशन और मिल गई यार, इतने बेशन है इसमें, ये बेशन पूरी ज़मीन के अंदर थी, पता नहीं ज़मीन के अंदर कहाँ से आ गई, मतलब वो बेसोल्ट के नीचे, नेदर रैक्स के नीचे पूरी ढकी हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, वो छोटी मोटी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। फाइनली मैं गोल्ड ब्लॉक के पास पहुंच गया, और जितने भी गोल्ड ब्लॉक थे उसको मैंने चुराने लगा। पिगलिन चारों ओर से अटैक कर रहे थे पर वो सारों को चुरा लिया, लावा के बच्चे बचा दे। और फाइनली टेस्ट में देखा तो भाई एक नेदरराइट इंगट था इसमें, और गोल्ड ब्लॉक, मतलब गोल्ड ब्लॉक नहीं वो आयरन ब्लॉक, और एक प्रोटेक्शन 4 वाला बूट, और पिगलिन ने अटैक भी कर दिया था। इसको निपटाया और दूसरे टेस्ट में देखा तो इसमें एक नेदरराइट स्क्रैप और डायमंड की लेगिंग्स, वो सारों को लूट के मैं ऊपर आ गया वापस, क्योंकि वो आगे भी था कुछ गोल्ड ब्लॉक वगैरह। और यहाँ पे खेती वगैरह करते हैं, पता नहीं किसकी करते हैं, वो लावा की, देखो खेत जैसा कुछ बना रखा है, तो उसकी चेस्ट में भी मैं देखने लगा, बहुत सारा सामान मिला, वो एक लोडी स्टोन मिला, ये पता नहीं ये मेरे को काम आ रहा है। इसमें एक फॉर्चून 3 पिकेक्स भी थी यार, और गोल्ड ब्लॉक को भी छुराया था मैं, और फाइनली मैं घर पर आ गया। फिर सारा सामान को मैंने अंदर रख दिया, खास करके नेदरराइट इंगट, और मैं अभी मैं माइनिंग के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरे को फॉर्चून 3 मिल गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी 2 पिकेक्स थी, तो मैं माइनिंग के लिए वापस चला गया। थोड़ी दूर पे जाने के बाद मेरे को फाइनली 8 मिल गया डायमंड के, फाइनली मैंने उसको माइन किया फॉर्चून 3 से, और पता नहीं ओ भाई साहब कितने सारे डायमंड मिल गए, और यहाँ पे भी मेरे को 4 मिले, गलती से मैंने फॉर्चून नहीं यूज कर पाया, और यहाँ पे 33 हो गए थे। और मेरे को एक ऑक्सोलोटल मिला, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोलोटल ही शायद से बोलते हैं, उसको मैं पकड़ लिया क्योंकि उसको मैं नामकरण भी करने वाला था। और मैं वापस घर पे आके जितना भी सामान था उसको चेस्ट में रखा, फिर मैं वापस से माइन के चला गया, और मेरे को डायमंड के 2 और मिले वापस से, मैं 43 से माइन किया तो मेरे को 6 डायमंड मिल गए, और मेरे पास 40 डायमंड।
फिर शाम को मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा था, वो सुबह उठ के वापस स्टार्ट की तो सारा कुछ डुप्लीकेट हो गया था, देख सकते हो सारा कुछ सेम टू सेम। तो मैंने वापस आकर मैंने सारा सामान को लावा में फेंक दिया क्योंकि चीटिंग नहीं चलेगी, जैसे मैं डायमंड को भी लावा में फेंक दिया, समय निकला चला गया, वो आयरन वगैरह की कमी हो रही थी इसलिए, और सारा सामान को अंदर रख के मैंने वुड पॉप करना चालू कर दिया, मतलब चालू कर दिया, और मैंने एक एरिया भी बड़ा करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे को अभी घर बनाना शुरू करना था इसलिए। और फाइनल मेरा घर का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया था, मैं कासल बनाने वाला था और मैंने कासल के ऊपर भी स्लैब भी लगा दिया और घर के अंदर भी डेकोरेट कर रहा था कासल के अंदर। जब होर्डिंग ट्रेड आया वो मेरे को जंगल सेपलिंग दे रहा था, पर मेरे पास एम्बल नहीं थे और घर के ऊपर भी मैं काम कर रहा था और ऐसा कुछ दिख रहा था हमारा घर, वो नीचे भी गिर गया और ब्लैक स्टोन की कमी हो रही थी इसलिए ब्लैक स्टोन लेने के लिए चला गया। और फाइनल लुक देखो घर का, मतलब कासल का यार कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, अंदर से भी देख लो, चेस्ट वगैरह वो दो दरवाजे इधर भी लगाए, ऊपर की साइड भी देख लो, बेचन के वो पहुंच गया भाई साहब, मैं पोर्टर चुनने के लिए निकला था और उसके बेचन में पहुंच गया, तो वहाँ भी वहाँ की भी फर्स्ट पूछने लगा था मुझे, तो वापस एक नया लोडिंग स्टोन मिला था और गोल्ड ब्लॉक के लिए वो ऐसा कितना ज़्यादा सामान मिला देख सकते हो, नेदरराइट बहुत सारा मिला है, वो एक वापस नेदरराइट इंगट क्या ही किस्मत है यार। और मैं फाइनली एक बेच मतलब वो पोर्टर की और पहुँच गया, देख तो पोर्ट्रेट मिल गया है, वहाँ से मैंने पहले 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 प्लेस जोड़ ली, बहुत सारा प्लेस को मारने का, और फिर मैं एक पता नहीं वो दूसरे बेस्टियन को पहुँच गया भाई साहब, कितने बेस्टियन है यार, और एक गेंदे चेस्ट बना के मैंने उसको सारा सामान अंदर किया और बेस्टियन की लोट लेके मैं आगे चलने लगा, अगर गोल्ड ब्लॉक भी छोड़ा रहा था। और फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं घर पे आ गया और सारा सामान को अच्छे से रख दिया और दूसरी एंडर चेस्ट बना के मैंने जितना भी गोल्ड ब्लॉक था उसको वापस से वहाँ पे रख दिया, और मैं विच को मारने चला गया क्योंकि विच को मेरे को मारने से वो पता नहीं शुगर कैन वगैरह मिलता है क्योंकि मैं अभी वो लाने वाला था विलेजर वगैरह, और फाइनली विच ने मेरे को शुगर कैन दे दिया और ग्लास बोतल मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नेदर में चला गया और एक ग्रूइंग स्टैंड बना के मैंने वीकनेस का पोर्शन बना लिया। और आपको याद होगा तो मैंने एक ज़ॉम्बी कैप्चर किया था विलेजर, तो उसको मैंने बाहर निकला और वीकनेस का पोर्शन देके मैंने क्योर करने लगा, और मैं केव में जा रहा था तभी मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिला उसको भी क्योर कर लिया और फाइनली वो विलेजर बन गया था, फाइनली वो दूसरा भी विलेजर बन गया था, उसको मैंने फ्लेचर की जॉब दी और बहुत सारा एमरल्ड कमा लिया, फिर मैंने उसको ट्रेडिंग की उसने मेरे को 16 एमरल्ड दिया सिर्फ और सिर्फ, फिर उसको जॉब पता नहीं ज़्यादा एमरल नहीं दे रहा था, तो मैं वापस से घर पे आया तो एक वार्निंग ट्रेड स्पॉन हुआ था, तो उसकी मैंने लूट चेकआउट की तो वो मेरे को शुगर कैन दे रहा था भैया, तो मैंने बहुत सारा शुगर कैन लिया और एक सैपलिंग भी दे रहा था तो सैपलिंग भी ले ली। फिर मैंने जितना भी एंशिएंट डेब्रिस था उसको इकट्ठा किया और थोड़ा बहुत था तो वो मैं अगले एपिसोड में कहूँगा, और फुल्ली एंशिएंट डायमंड आर्मर में कवर हो गया और फाइनली मैंने 50 डे सर्वाइव कर लिया, 51 डे हो गया था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट जाकर लाइक कर देना और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, और ये ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक लाइक तो बनता ही यार, लाइक सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।